अरे भैया ये क्या हो गया, नेपाली पुलिस ने मेरा सब वीडियो डिलीट कर दिया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसटी कलेक्शन। क्या करें भैया, सब वीडियो डिलीट कर दिया। अब यहीं से हम लोग रिटर्न हो जा रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोग वीडियो बनाए हुए थे अपने घर से कि नेपाल किस प्रकार से जाते हैं, कैसे हम लोग जाते हैं, कहाँ कहाँ बॉर्डर है, वो सब बनाए थे। ये नेपाली पुलिस वहाँ पर चौकी था, उसको रोका और बोला क्या कर रहे हो, तो मेरा तो कैमरा बाइक में सेट था इधर, तो बोला कि क्या वीडियो बना रहे हो, नहीं जाते हैं कहीं पे तो वीडियो ऑनलाइन चलता है। इसलिए क्या किया बेचारे, दिखाओ दिखाओ क्या रिकॉर्ड किया है, क्या क्या दबा दिया, सब फॉर्मेट खाली हो गया पूरा, देख रहे हैं तो पूरा खाली। क्या करें, नेपाल में आए हैं, उन लोग पुलिस अपना मन मर्जी चलाता है, इसलिए हम लोग वहाँ से वापस टर्न हो गए, बोले नहीं जाएंगे आगे, वापस टर्न कर लिए। और इधर आप देख सकते हैं ये जगह, आप लोग जाना पहचाना लग रहा होगा, अगर आप देख आए होंगे तो ज़रूर पहचान लेंगे कि ये कौन सा जगह है। इस जगह का नाम है ठोरी, जो कि नेपाल के अंदर में है, नेपाल बॉर्डर के पास ही पड़ता है। इंडिया क्रॉस करेंगे और यहाँ पे पहुँचेंगे। ये कोई शहर नहीं है, कोई टाउन नहीं है, ये छोटा सा एक बस्ती है, जबकि ये नेपाल बॉर्डर के पास है, इसीलिए यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते रहते हैं, हमारे इंडिया लोग, इंडिया के लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, यहाँ पे खाते पीते हैं और जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक होटल में घुस चुके हैं, जो कि क्या ऐसा होटल है, छोटा सा होटल है, यहीं पे थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे और फिर से हम लोग अपने रास्ते निकलेंगे, घर की तरफ वापस रिटर्न करेंगे। तो ये हम लोग यहाँ पे खा लिए हैं और ये आंटी जी हिसाब किताब कर रही है, नेपाली करेंसी इंडियन करेंसी पता नहीं चलता है यहाँ पे किस किस हिसाब लगा के, ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, बहुत ठगते हैं इन लोग। लेकिन लोग आते हैं कि एक सोच से कि हम लोग दूसरा कंट्री में आए हुए हैं नेपाल, जबकि नेपाल ये लोग ठग रहा था पहले के था, तो आज जो 10 रुपये का नोट होता है इंडियन नोट, नेपाल में आने से वो 16 रुपये में चलता था, लेकिन अभी धीरे धीरे इन लोग हटा दिया है, 10 रुपये का नोट 15 रुपया या 14-14.5 रुपये में ये लोग चलाते हैं। तो क्या क्या पैसा बोली, हम सब निकाल के इसको दे दिए और यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे, ज़्यादा इन लोग से ताम झाम नहीं करेंगे, आराम से निकलेंगे, पैसा दे दिए निकल गए, नहीं तो इन लोग बखेड़ा खड़ा कर देता है सब। तो चलिए हम लोग जिधर से आए थे उसी रास्ते से जाएंगे। देखिए लिखा है कुमारी खाजा घर, खाजा मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा, इस पे पर्दा से क्या बोलते हैं, पर्दा नहीं, यहाँ पे आप लोग प्रकाश डालना चाहता हूँ। खाजा का मतलब होता क्या है, अगर आप नेपाल आते हैं तो दुकान में जाइएगा तो सुनने में आएगा खाजा खाजा, तो खाजा का मतलब होता है मूढ़ी, हमारे इधर लोकल भाषा में बोलते हैं भुजा, कहीं के जाइएगा तो मूढ़ी, कहीं जाइएगा तो मुर्रा, ये नाम से जानते हैं, जो कि चावल से वो होता है, चावल से बनता है वो, फैक्ट्री सब में उसको क्या आग से भी करके उसको फूल जाता है, तो भुजा मुर्रा और क्या क्या नाम है, अलग अलग जगह पर जाइएगा तो अलग अलग नाम से उसको पुकारा जाता है, लेकिन यहाँ नेपाल पर उसको खाजा बोला जाता है, तो खाजा घर लिखा हुआ था। तो हम लोग अभी यहाँ पे ठोरी है, यहाँ पे पिकनिक स्पॉट है, लेफ्ट साइड में देखिएगा तो यहाँ तार से घेरा गया है, इसी के अंदर जाते हैं पिकनिक मनाने, खाना पीना बना के खाते हैं लोग, इसका चार्ज लेते हैं आजकल, पहले था तो फ्री था, कोई चार्ज वगैरह नहीं था, लेकिन ये लोग देखने लगे कि चलो भाई बहुत सारे इंडियन लोग आ रहे हैं, चलिए इनसे पैसा क्यों नहीं लिया जाए, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा पार्क जैसा बना दिया है और उसको तार से घेर दिया है और उसका चार्ज लेता है। तो आते हैं लोग यहाँ से, इंडियन लोग आते हैं घूमने फिरने, खाते हैं पीते हैं मौज मस्ती करते हैं, और बगल में यह नदी है, नदी में नहाते हैं और अपने अपने घर को जाते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे नेपाल में थोड़ा सा घूम लिए, लेकिन क्या करेंगे भाई, वो नेपाली पुलिस आगे जाने ही नहीं दिया, वीडियो सारा डिलीट कर दिया, इसलिए वहीं से रिटर्न हो गए हैं और आप लोगों को फिर से उसी रास्ते से हम लोग वापस रिटर्न हो रहे हैं और आप लोग को इस वीडियो में दिखाएँगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे, अगर आप अब तक मेरे चैनल में नए हैं, क्योंकि चैनल का नाम है एसटी कलेक्शंस,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करे, थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगता है तो अपने दूसरों के साथ शेयर करे। और कुछ इसमें कमियां है या तो कुछ ऐसा होता है, ऐसा होना होना चाहिए, अगर होता है तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश करूंगा। अभी अभी थोड़ा सा स्टार्टअप किया हूँ वीडियो बनाने के लिए, ऐसे कहीं कहीं जाता हूँ तो वीडियो बना लेता हूँ, डेली का काम तो नहीं है, ऐसे कभी कभी टाइम पास के लिए बना लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं यहाँ का जो सड़क है, सड़क बहुत अच्छी तरह है, साफ़ सुथरा है। और सड़क का खासियत है, अच्छा सड़क है यहाँ पे। और सड़क किसने बनवाया है, कैसे बनवाया है, मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा। ये जो पुलिया है, जो भी सड़क है, ये वाला जो इंडिया सरकार के द्वारा बनाया गया है, नेपाली सरकार के द्वारा नहीं, ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है एक शर्त पे। वो शर्त क्या है मैं आप लोगों को बताऊँगा। नेपाल में था वो गांजा, जो नशा पान होता है उसकी खेती होती थी। और देखिए भाई, देखिए देखिए, लड़की पल्सर वाली लड़की जा रही है, पल्सर वाली लड़की पार हो गई। बाबा रे बाबा, क्या रफ्तार है, बहुत फास्ट चला रही है। चलिए इसको हम लोग ओवरटेक करते हैं, कहानी को बाद में साइड में रखते हैं, कभी और आप लोगों को ये कहानी बताएंगे। तो चलिए इसको हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं, बहुत फास्ट में जा रही है। चलिए चलिए चलिए, देखिए देखिए ये पल्सर वाली को, तो हम लोग इसको ओवरटेक कर लिए और इसको पीछे छोड़ दिए और आगे की तरफ निकल गए। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं बोगमोर्चा, और ये नदी है, देखिए नीचे देख सकते हैं नदी है। बोगमोर्चा पहुंचेंगे तो वहीं पे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठोरी में भी बहुत सारा वैसे पुलिया है जो आप लोगों को दिखाएंगे, ये पुलिया जिसका देख सकते हैं, इसको हम लोग इधर लचका पुल बोलते हैं, कोई कोई झुलुआ पुल बोलता है, अपना अपना जानकारी के लिए अपना अपना नाम दे देते हैं लोग। तो इधर तरफ हम को लचका पुल बोलते हैं, इसी के ऊपर से मैं चढ़ा दे रहा हूँ। तो एक आदमी सामने तरफ है, वो थोड़ा सा साइड देगा हमको और मैं निकल जाऊँगा। तो नेपाल में अभी हम लोग हैं, जो कि अदर कंट्री है, छोटा सा देश है, वहीं पे हम लोग हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं क्योंकि माथा गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। थोड़ा सा यहाँ पे 5-10-15 मिनट आराम करेंगे, उसके बाद घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो हम लोग यहाँ आराम कर लिए, फिर से उसी झुलुआ के द्वारा झूलते झूलते हम लोग पार करेंगे इस झुलुआ को, पुल को। देखिए बैलेंस बना के चलाना पड़ता है, नहीं तो इधर वायर में टच हुआ तो उधर फंसेगा, उधर क्या होगा, इसलिए आराम से धीरे धीरे इसको हम लोग पार करेंगे और मेन रोड में प्रवेश करेंगे। और यहाँ रहा मेन रोड, यहाँ पे पुलिया है, इस पुलिया को पार करके हम लोग लेफ्ट साइड में टर्न हो जाएंगे। कच्ची सड़क है, जो कि सड़क नहीं है, वो है क्या बोलेंगे, मेड़ जैसा है, पतला सा, वो जो खेत के द्वारा, खेत के रास्ते से जाते हैं उस प्रकार का रास्ता है, उधर से हम लोग जाएंगे। वहाँ बॉर्डर, एक बॉर्डर है, मतलब बॉर्डर बोलने से क्या है, बॉर्डर ही है, मतलब वहाँ पे पुल छोटा सा खंबा जैसा लगा दिया गया है, उसमें नेपाल इंडिया भारत लिख दिया गया है। तो वहीं से हम लोग पार हो जाएंगे। आते समय तो कोई पुलिस वाला, कोई SSB वाले नहीं दिखाई दिए थे, देखते हैं इस बार दिखाई देते हैं कि नहीं। ज़्यादा कुछ करते नहीं, पूछताछ करते हैं, क्या लिए हो, क्या लेके जा रहे हो, यही सब पूछते हैं। तो चलिए चलते हैं, धीरे धीरे पुलिया को पार करेंगे हम लोग। देखिए यही रोड के बारे में मैं बात कर रहा था, ये तो रोड नहीं है, खेती वाला रास्ता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पोल दिखाई दिया, यही है आपका बॉर्डर, देख सकते हैं बॉर्डर किस प्रकार से है। थोड़ा गाड़ी लगाएंगे, आप लोग को दिखाएंगे इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पोल को हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग इंडिया की धरती पे आ चुके हैं, देखिए लिखा हुआ है भारत 427x11।
और बच्चा क्या कर रहा है भाई कर क्या रहा है ये। और इस साइड आएंगे तो वही चीज लिखा गया है, लेकिन इधर हिंदी में लिखा गया है और नेपाल लिखा गया है, नेपाल तरफ हैं अभी हम लोग। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय।